उलमा की तकलीद इसलिए लाजिम है कि आप तरबियत पाकर इमाम की बैत के लायक बन सके। ऐसे ही इमाम की बैत कर लेंगे, इमाम की बैत के लायक तो बने। ये तैयारी कैसे होगी? उलमा की तकलीद से। तवज्जो रहे, हमारी माएं बहनें भी सुन रही हैं, हजरात भी सुन रहे हैं, बच्चों की तरबियत करें। पुराना जुमला एक दोहरा रहा हूं जो लाहौर में कहा था, तरबियत करें। एक सादा सा मसला है, तकलीद का मसला क्या है? क्या है मसला तकलीद? तकलीद जुज़ निज़ाम विलायत है। मुमकिन नहीं है कि निजाम विलायत कायम हो जाए जब तक कि तकलीद ना हो। तकलीद अकली मसला है, तकलीद फितरी मसला है, इंसान की फितरत में है तकलीद। आप लिबास पहने बैठे हुए हैं, आपने खुद सिया है, किसी दर्जी ने सी दिया, अच्छे टेलर ने सी दिया, आप उसकी तकलीद में हैं। आप घर पे खाना खाते हैं, खातून ने खाना ने बना के दे दिया, आप खाना खा लेते हैं। आप खाने के मामले में खातून ने खाना की, तकलीद फितरी मसला है। आपको घर बनाना है, घर बनाना है, जमीन आपकी, पैसा आपका, रहना आपको है, जरूरत आपकी, लेकिन सिविल इंजीनियर ने जो नक्शा बना के दे दिया उसके मुताबिक नक्शा घर बनेगा, ये क्या है? तकलीद। यानी हर शोबे जिंदगी में जो उस शोबे का इल्म रखने वाला हो, इल्म रखने वाला हो। तकलीद इल्म की है, जहल की नहीं। तकलीद इल्म की है, जहल की नहीं। फख्र करो कि क्या निजाम तुम्हें मिला है। गुमराह कर रहे हैं लोग तुमको, होशियार हो जाओ। मालूम है मराजे दीन की मुखालिफत क्यों हो रही है? मसलक व मजहब शिया में दो कायदे हैं, सिर्फ इल्म भी शर्त नहीं है, इल्म और अदालत, इल्म और अदालत, इल्म और अदालत। जो आलिम भी हो आदिल भी, आलिम भी हो आदिल भी, आलिम भी हो आदिल भी, उसकी तकलीद जायज है। अगर आलिम है और आदिल नहीं तो तकलीद नहीं हो सकती। ये दो ही तो शर्तें हैं, तीसरी कोई शर्त नहीं है। इसके मानी है कि तकलीद उसी पे करा होगी या जो जालिम होगा या जाहिल। तकलीद या आलिम की है या आदिल की, तो तकलीद की मुखालिफत वो करेगा जिसे या इल्म से नफरत हो या अदालत से। सुनो, समझ के जाओ। खुले हुए हैं आफाक दुनिया के, दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सामने है, दुनिया का प्रिंट मीडिया आपके सामने है। तुम्हारी इस कयादत से हसद है दुनिया वालों को, वो नहीं चाहते कि तुम्हारी ऐसी कयादत रहे, वो नहीं चाहते कि इस कयादत से वाबस्ता रहो। ऐसे उलमा से वाबस्ता रहोगे, ऐसे रूहानी अफराद से वाबस्ता रहोगे, ऐसे मुत्तकी अफराद से वाबस्ता रहोगे। आयतुल्लाहिल उज़्मा बहजत, आयतुल्लाहिल उज़्मा वहीद खुरासानी, आयतुल्लाहिल उज़्मा जवादी आमुली, आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी, ऐसी कयादत दुनिया को नसीब नहीं है। इस कयादत पे नाज करो, ये कयादत वो है जो मासूम तक पहुंचाएगी, ये कयादत वो है जो निजाम विलायत को कायम करेगी और कायम कर रही है। आयतुल्लाह उस्मा खामेनेई वली ये फकीह है। निजाम विलायत निजाम है, निजाम है, ये विलायत का निजाम। छोटी सी मिसाल दे दूं।